students and parents, hope you all are well. Today we will do in book 7. Today we will do page number 47. Now students, you also open your book and take out your pencil and eraser. Today we will do family words 2. Okay, yahan pe hum family words dekhenge. Okay students, here there is an image of a nail. Aapki book mein kya diya hai? Nail. Nail yani ki nakhun dikhaya hai. Okay. After that, here there is an image of a sea. Sea yani beach. Okay. After that, here there is an image of a pie. Okay. Jisme pastry hoti hai aur upar fruits ka aur cream ka layer hota hai. That is called pie. After that, here the girl is reading a book. Wo read kar rahi hai, pad rahi hai. Okay. After that, here there is an image of a rail. यहाँ पे हमें रेल दिखाई है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज एन इमेज ऑफ अ सी. ओके, हियर देयर इज एन इमेज ऑफ अ सी जो वाटर एनिमल है. ओके, हियर देयर इज एन इमेज ऑफ अ फील. यहाँ पे एक जो चाइल्ड है वो डॉग को क्या कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं. दैट इज कॉल्ड फील. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज एन इमेज ऑफ अ हेड. यहाँ पे इस चाइल्ड का जो हेड है उसको एरो करके दिखाया है. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज एन इमेज ऑफ अ बनाना जो है उसका स्किन को उतारते हुए दिखाया है. सो यहाँ पे पील कर रहा है, स्किन निकाल रहा है ना बनाना की, तो दैट इज कॉल्ड पील. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज एन इमेज ऑफ अ टाई. यहाँ पे क्या इमेज है, टाई का इमेज है. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज एन इमेज ऑफ अ मील. मील यानी कि खाना, फूड. फूड है. ओके, एक थाली में खाना है, दैट इज कॉल्ड मील. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जो गर्ल रीड कर रही है, ओके, उसके नीचे क्या दिखा है, हील दिखाया है, एडी दिखाया है. ओके, जिसको एरो करके आपको दिखाया है. ओके, हील. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ गर्ल, उसके क्या दिखाया है, हेयर दिखाया है. ओके, लॉन्ग हेयर है, उसके बाल दिखाया है. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ रेन. आर ए आई एन, रेन. रेन यानी बारिश दिखाई. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द मिसिंग. यहाँ पे जो मिसिंग है वो हम पहले कंप्लीट करेंगे. ओके, हियर देयर विल बी अ स्पेलिंग ऑफ हेयर. हेयर का स्पेलिंग क्या होगा, एच ए आई आर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच ए आई आर, हेयर. हेयर यानी बाल. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज. यहाँ पे क्या दिखा है, सील जो है, एस ई ए एल, सील. तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, बीच में ई और ए है. सो हियर वी विल राइट एस ई ए एल. ओके, सील. ओके, आफ्टर दैट हियर यहाँ पे डबल ई है. सो हियर वी विल राइट सील, एस डबल ई डी सी. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे ए और आई वापस आ रहा है. ओके, सो हियर वी विल राइट, हियर वी विल राइट रे, आर ए आई एल. ओके, यहाँ पे हम रे लिखेंगे. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज. यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हेड लिखना है. ओके, हेड का स्पेलिंग क्या होता है, एच ई ए डी, हेड होता है. सो हियर आई विल राइट एच ई ए के बाद क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ, यहाँ पे डबल ई बीच में आ रहा है. सो वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ हील. ओके, एच डबल ई एल, हील. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ पाई. वो पाई का स्पेलिंग लिखेंगे हम पी आई ई, पाई. ओके, नाउ ऐसे ही टाइप के दूसरा जो वर्ड है वो कौन सा है, वो हमें लिखेंगे हेयर. हेयर के साथ हम लिखेंगे रेन. रेन यानी बारिश. बारिश का स्पेलिंग क्या होगा, आर ए आई एन, रेन. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ स्पेलिंग ऑफ अ सील. सील के साथ हम क्या लिखेंगे, मील. मील यानी खाने की थाली, मील. ओके, एम ई ए एल, मील.
लिखेंगे उसके सामने फील्ड एस डबल ई डी फीड फीड यानी खाना खिलाना ओके आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड यहाँ पे हमने क्या लिखा है फीड के बाद हमने रेल लिखा है ओके रेल के साथ में हम लिखेंगे रेन आर रेल रे नेल लिखेंगे ओके वी विल राइट नेल एन ए आई एल नेल ओके हमने रेल जो यहाँ पे है लिखा है उसके सामने रेन लिखा यहाँ पे भी ए और आई है यहाँ पे भी ए और आई है तो यहाँ पे हमने रेल नेल ओके यहाँ पे है हेड ओके हेड के साथ में हमें हम लिखेंगे रीड ओके आर ई ए डी रीड ओके आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड हिल हिल के साथ में हम लिखेंगे पी पील यानी स्किन छीलना पी डबल ई एल पी हिल पी ओके यहाँ पे पाई है पाई के सामने हम लिखेंगे चाय जो जिसमें आई और ई पीछे आ रहा है ओके सो यू विल राइट पी आई ई टाई ओके स्टूडेंट्स सो इन दिस वे यू कैन राइट दिस अभी आपके पास यहाँ पे ये दूसरे भी बॉक्सेस है तो यहाँ पे आप इसी स्पेलिंग को रिपीट करके वापस लिख सकते हो ओके सो यू रीड द स्पेलिंग्स एंड राइट प्रॉपरली ओके आफ्टर दैट यू कंप्लीट योर वर्क एंड आफ्टर दैट यू टेल योर मामा टू टेक अ फोटो एंड सेंड इट टू मी नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स स्टे सेफ एट होम